आवाम की आवाज में एक बार फिर निकले हैं आवाम के बीच, लेकिन आज कोई मसला नहीं है जनाब। आज एक खुशी का दिन है, आज वो दिन है जब हरियाणा को उसका दर्जा मिला था। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1966 के उस वक्त की जब हरियाणा बना था। जनाब आज 1 नवंबर है, उस खुशी का दिन है जब आज पूरा हरियाणा खुशी के माहौल में है, चारों तरफ खुशियां हैं। वो माहौल आपको दिखाएंगे और वो पूरा एंजॉयमेंट, वो पूरा कल्चर की आपको सैर कराएंगे जो हरियाणा कई सालों से जीता आ रहा है और हमेशा जब तक हरियाणा रहेगा वो जीता रहेगा। कुछ आम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे कि आखिर वो हरियाणा के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जनाब आपको हरियाणा के कल्चर की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। तो चलिए जनाब जब बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा दिवस की हो रही है, तो क्यों ना हरियाणा के कल्चर की भी बात हो जाए। जनाब आपका नाम क्या है? बलवान है जी। बलवान जी ये क्या है जो आप बजा रहे हैं? जो पुरानी परंपरा जी शिव जी महाराज की टेम की। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो डमरू है, डमरू बोलते हैं जी। अच्छा, ये डमरू जो छोटा होता है उसका बड़ा रूप है। तो कितने सालों से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है? पार्वती जी का रोग काटा था, बस मसूर बढ़ गया था इसके अंदर पार्वती में, और सबर संग बोरी इसका प्रचड़ा आ गया था जब से डमरू बजने लगा था। जब से डमरू बजने लगा था। आज हरियाणा के बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा से हैं आप और हरियाणा जो है कई साल हो चुके हैं हरियाणा को बने हुए, क्या सोचते हैं, कैसी धरती है हरियाणा की? बढ़िया धरती है, बढ़िया खान पान है, एकदम हमारा नया हरियाणा है, एकदम हमारा नया हरियाणा है। आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के बारे में? हरियाणा बहुत ही खुश हैं हम, जैसे हमारे देश में जैसा कलाकारों जैसा प्रोग्राम होता है तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हम जहीं भी जाते हैं तो अपने इसकी परंपरा गाते हैं हरियाणा की। हरियाणा की परंपरा जो परंपरा है जनाब, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जिंदा रहनी बहुत जरूरी। क्या नाम है भाई? राहुल नाम है जी। राहुल जी कैसा लग रहा है आज? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जबरदस्त तरीके से पूरे जोश के अंदर नजर आ रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे आप। जनाब आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रताप सिंह जोगी है जी, गाँव कठाणा, जिला कैथल। जिला कैथल, कठाणा जिला। जिला कैथल। जिला कैथल, बड़े दमदार है ये। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? इसका नाम है सारंगी। सारंगी कब से बजा रहे हैं? ये हमारे दादी परदादियों से बजा रहे हैं, ये सदियों से पहले, सबसे पहले यही प्रोग्राम था देहात के अंदर, जो प्रोग्राम करने के लिए बुलाते थे तो हमें बुलाते थे। जिस टाइम हम लेकर जा रहे हो कि संख्या में थे, अब कुल गाने वाले 15-20 रह गए हरियाणा में कुल। इसको कहीं हमने वो नहीं मिला सरकार की तरफ से समर्थन, अब क्या करें? ये 1-2 प्रोग्राम मिलते हैं सरकारी, उसमें क्या गुजारा होता है। आप चाहते हैं कि ये जो परंपरा बरसों से चली आ रही है ये आगे भी चलती रहे? चलती रहे, हम जाते तो हैं जी, फिर क्या करें? आगे बच्चे तो नहीं सीखते ना, आगे कुछ रोजगार तो नहीं मिला ना सरकार की तरफ से। आप कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं मिला, आपको क्या लगता है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, ये जो बजा रहे हैं आप इसका नाम क्या है? इसका नाम सारंगी है जी। ये भी सारंगी है? ये अलग तरीके की, अलग से ना जी, एक साज है। एक ही साज है। तो जैसे कि जनाब ने कहा कि नौकरी नहीं है, ये जो परंपरा है क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गायब हो जाएगी? हाँ जी गायब हो जाएगी जी, कोई रहेगा जी,
रहेगी नहीं, गायब हो जाएगी। जिस तरीके से लोग भूलते जा रहे हैं परंपराओं को, हो सकता है कि ये परंपराएं कहीं ना कहीं गायब हो जाएं। तो क्या चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो इसको सीखे, और क्यों नहीं सीख रही? ये इसलिए नहीं सीख रहेगी क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए कि गवर्नमेंट रोजगार नहीं देना चाहती है, भाई इसमें आगे बढ़ावा लेना चाहती है, भाई इससे आपकी तरफ तो ये खत्म होती जा रही है। कोई ना कोई नौकरी देने वाला हो या इसे इसको और या लगाया जाए बच्चा, कोई आगे सीखने वाला, जब ये सीखेंगे जब कुछ रोजगार मिलेगा उनको, तभी रोजगार। हाँ जी देखो जी, पहले इसके सारे काम हम प्रोग्राम किया करते थे, डांगर पशुओं में दुख आया करता, हमारे गाने से डांगर पशुओं में सुख शांति मिलेगी करती, तो हम रांधा गाने के लिए गाँव में जाते हैं, गाँव वाले तेल अन्न पैसा देकर हमारा गुजर होता था। अब लेकिन हमारी कदर बहुत कम हो गई, कदमों गायट होने के कारण हमको कोई रोटी रोजी नहीं मिल रही है, इसमें हमारा पूरा नहीं पट रहा जी। ये जो हरियाणा का कल्चर है जनाब, कहीं ना कहीं ये गायब ज़रूर हो जाएगा। अगर ऐसा ही हालात रहे और ये कल्चर गायब हो गया तो आने वाली पीढ़ी का क्या नुकसान होने वाला? ये भी थोड़े बहुत जी, हम कल्चर ने संभाला नहीं, कल्चर के बगैर तो हम संभालने वाला नहीं, देखो कल्चर ने संभाले हम तो जी। हाँ जब से ये तिवारी साहब जी आए, फिर ये डिमांड साहब जी आए, इनको संभाले हैं जी हम तो, नहीं हमारे तो यादें को निकलता था, हम तो गाँव में गाते फिरते थे। तो चलिए जनाब, आपको हरियाणा की एक और परंपरा से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये परंपरा है क्या। जनाब कैसे हैं आप? हाँ जी, जंगम जोगी। जंगम जोगी जी, आपसे जानना चाहूँगा ये परंपरा क्या है और कितने समय से हरियाणा में बसी है, फल फूल रही है? ये तो ये त्रेता युग से चल रही है। क्या नाम? जंगम। जंगम, हाँ जंगम। तो क्या क्या होता है इसमें और किस में? शिव विवाह करते हैं हम, भगवान शिव की जो शादी राजा हिमाचल के घर हुई थी ना, उसको गाते हैं। अच्छा, हाँ। तो आज के टाइम में कितनी ज़्यादा जो है ये परंपरा फैल रही है या फिर लुप्त हो रही है, ये जानना चाहूँगा? बस कमी होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। हरियाणा की जो परंपरा है, हरियाणा की जो परंपरा है वो कम होती जा रही है, कलाकार हैं ना जो कम होते जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की नौजवान की पीढ़ी को, जो कलाओं से जो है कहा जाए पीछे हटती जा रही है, जो ऐतिहासिक कलाएं हैं, जो हरियाणा के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं, जो पीछे हट रही हैं? ऐसा ना, ज़्यादा अगर तो यही सोचते हैं कि भई हम अपना कोई ना कोई धंधा कर लें, इस करके अपने धंधे की तरफ ध्यान करते हैं, इस काम में बहुत कम रिस्क लेते हैं। इस काम में रिस्क है आप कह रहे हैं? हाँ, बस को बहुत कम लेते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये परंपरा क्या है, किस तरीके से इसका आनंद दुनिया उठाती है, लोग उठाते हैं। भाई मेरी सगाए ना कर विरमा, मेरी सगाए ना कर, मेरी सगाए ना कर, मन लोड़ ना तेरी गौर की, तेरी गौर जा पास साल की, तेरी गौर जा पास साल की, तू पहवा के यार साल का, तुम मगर दिख मैं पाया करे भी, पहपम पहपम लहरी में, तुम मगर दिख मैं पाया करे भी, रकोटे मेरे दांत करे भी, लपर लपर मेरे जीवा करे भी, भाई दुड़क 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 देख देख बन के पाड़ा ने, देख देख दौड़ी तारा ने, आदर मर
चलिए जनाब, हरियाणा की खूबसूरती के बारे में जानते हैं क्योंकि आज हरियाणा दिवस है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। सोहनलाल जी। सोहनलाल, सोहनलाल जी कहाँ से हैं आप? मट्टा वाले से। मट्टा वाले से कितना दूर है यहाँ से? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर चंडीगढ़ से 13 किलोमीटर पड़ता है मट्टा वाला। आज जो है हरियाणा दिवस है, हरियाणा को बने हुए कई साल हो चुके हैं, कई सियासतें बदली हैं। आपको क्या लगता है कि जिस समय हरियाणा जो है एक अलग स्टेट बना था और आज अगर उसको देखा जाए तो कितना बदलाव आया है, कितनी खूबसूरती उसकी बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत अच्छा बदलाव आया, बहुत अच्छा ही काम हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। पानी जमीन सारी पानी लगती होगी, पहले मारू जमीन थी और अच्छी फसल मतलब ठीक बहुत कुछ हो रहा। कहा जाता है कि जिस समय हरियाणा बना था, ये कहा जाता है कि उस समय हरियाणा की ज़मीनें कहा जाए सूखी थी, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नज़र आती थी। लेकिन आज अगर कहा जाए अनाज के क्षेत्र में बात की जाए तो भारत में तीसरे नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा अनाज हरियाणा पैदा करता है। कैसा ऐसा क्यों है कि हरियाणा के लोग जो हैं इतनी मेहनत करते हैं कि जो आज जो है एक सूखी ज़मीनों वाला प्रदेश कहा जाए आज अनाज के मामले में तीसरे नंबर पर है? हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर एक बीज से जो भी नया सरकार देती है उससे संबंध रखते हैं और तकरीबन कोई भी बीज जैसे बाजरा हो या जीरी हो या मक्की कणक अपना तकरीबन बदल बदल के बीजते रहते हैं, उससे बीज भी बिजाई भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी आती है। पैदावार भी अच्छी आती है। तो चलिए जनाब, आपसे बात करते हैं हरियाणा के कल्चर को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि एक भी एक रीति रिवाज के बारे में जो आपके दिल में बसा है, जो आप चाहते हैं कि जब तक हरियाणा जिए वो रीति रिवाज जो है, वो कल्चर जो है वो हमेशा बसा रहे। हाँ हाँ, मतलब हरियाणा वैसे अच्छा ही, बहुत बढ़िया पोजीशन है हरियाणा की और हम जहाँ भी ऐसे सब स्टेटा की हो जैसी मतलब हमारी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई से दंगा प्रसाद नहीं इसमें होता, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं, मतलब बहुत मिल के काम करते हैं लोग और ठीक मिल के काम करते हैं। तो चलिए, एक जो हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या थी अगर उसकी बात की जाए कि लिंग अनुपात की अगर हम बात करें, पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब उसमें सुधार आ रहा है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव लोगों की मानसिकता में क्या आया है? हरियाणा में जिस तरह पहले बहुत कमी थी लड़के और लड़कियों में, लड़कियाँ बहुत कम थी, लड़के बहुत ज़्यादा थे, इस टाइम 1000 में 938 पास आंकड़ा लड़कियों का पहुँच गया। तो नसबंदी जैसे कराते पहले लड़कियों का गर्भपात करा देंगे, उस पर बहुत रोक है सरकार की तरफ से, बहुत ज़्यादा सख्ताई चल रही है, इसका भी बहुत फर्क पड़ा। यानी सरकार का जो कदम है उसको भी आप अच्छा मानते हैं कि जो सख्ताई सरकार ने की उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये बदलाव आया, जो लिंग अनुपात बहुत कम था वो अब मुकाबले पर पहुँच रहा है। आज हरियाणा दिवस है तो आज के दिन को किस नज़र से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि जो नौजवान हैं वो किस तरीके से अपने आप को आगे लाए और अपने में बदलाव करें? हरियाणा में जितने भी नौजवान आ कोई भी अपने आप में बहुत बढ़िया दिन है अज का, अच्छा दिन है हरियाणा दिवस। इसमें जितने भी जो हमारे पढ़ाई कर रहे लड़के बहुत ज़्यादा, वैसे तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा, नौकरियां नहीं मिल रही इस टाइम, दिक्कत में आ रहे हैं और कुछ ठीक नहीं है। सरकार ने नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, अगे तो अगे जा रहा, गवर्नमेंट सड़कें बन रही हैं, पानी की समस्या ये होगी, बिजली की होगी, ऐसे नौजवानों की में नौकरी के बारे में बहुत दिक्कत है, थोड़ी सी बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी, बाकी ठीक ठाक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है ये आपका कहना है? ज़्यादा ही है, क्योंकि जनाब जब देश तरक्की कर रहा है, हरियाणा कहा जाए तरक्की कर रहा है, हरियाणा में हर गांव कहा जा रहा है कि हर गांव में बिजली है, लेकिन जनाब आज भी कई ऐसे मसले हैं जिस पर जो आम इंसान है जो चाहता है कि सरकार गौर करे, आम इंसान गौर करे। जनाब आपका नाम क्या है? कुन्नूराम। कुन्नूराम जी कितनी उम्र हो गई है? 75। 75 साल हो गई है, यानी कि जब बंटवारा हुआ था वो समय भी आपने देखा, बंटवारा मतलब कहा जाए हरियाणा जब बना था, करवाया था हम ही करवाया था। अच्छा, आप उस समय थे मौजूद? नौकरी कर रहा था सेंटर में। आज जो है आपके हरियाणा को बने हुए, 1966 में हरियाणा बना था, बहुत साल हो चुके हैं उस बात को, तो क्या लगता है कितना बदलाव आया, जो खूबसूरती हरियाणा की उस समय थी उसमें कितना बढ़ा? हरियाणा में हरियाली बड़ी है, दूध दही का हरियाणा लिख ले, दूध दही का हरियाणा, क्या बात है। क्या उम्मीद है कि ये जो हरियाणा की खूबसूरती है क्या वो आने वाले कई सालों तक ऐसे ही बरकरार रहेगी? आन कामयाब होंगे हरियाणा।
अच्छा चलिए आपसे ये जानते हैं कि आज हरियाणा दिवस है, किस तरीके से हरियाणा को देखते हैं? जी बहुत अच्छा है, यहाँ का कल्चर वगैरह सब अच्छा है, यहाँ पे सब अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें अच्छी बनी हुई है, हमारे खिलाड़ी जो है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं? जी खिलाड़ी बनना चाहते हैं। कौन सी गेम के? फुटबॉल। फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आज अगर बात करें तो हरियाणा का जो प्रदर्शन है, चाहे हम ओलंपिक की बात करें या किसी भी इंटरनेशनल गेम की बात करें, ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। तो किस तरीके का प्रदर्शन आप दिखाएंगे एक फुटबॉलर बनकर? इसी तरह कोशिश करेंगे कि इसी लेवल पर रहे, इसी लेवल पर रहे और इससे भी बेहतर लेवल पर जाएं। आप क्या करना चाहते हैं? सीए बनना चाहते हैं। सीए बनना चाहते हैं। कहा जाए कि हरियाणा के जो लोग हैं, अगर हम आज हरियाणा दिवस है और हरियाणा को ही बात लेकर बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोग हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो किसानी हो चाहे वो दिमाग की लड़ाई हो। सीए बनना चाहते हैं, ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे हरियाणा की खूबसूरती में बढ़ावत हो और हरियाणा में एक बदलाव आए? मतलब जैसे कहीं किसान, जैसे आपने किसानों की बात करी, किसान कहीं भूखे मर रहे हैं तो उनको इंसाफ दिलाएंगे, मतलब उनका पाल पोषण अच्छे से होगा, कुछ ऐसा करेंगे कि किसी न किसी तरीके से हरियाणा के जो लोग हैं उनका भला हो सके। तो क्या करना चाह रहे हैं सीए के अलावा, और क्या सोचते हैं कि हरियाणा के बारे में? हरियाणा बहुत अच्छा है, यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे हैं। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, वह खिलाड़ी बनना चाहता है, तो आगे ये अच्छी बात है आगे के लिए। अच्छा है काफ़ी, मतलब कि अब तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट आई है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ के लोग, मतलब कि वहाँ का कल्चर अच्छा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली लैंग्वेज, आई लव इट। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जोड़ कर रखा हुआ है, काफ़ी सारे स्टेटों से टच है और हरियाणा में मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं यूपी का टेस्ट है और कहीं पंजाब का भी टेस्ट है, कहीं थोड़ी अपना मेवात का भी टेस्ट है, खड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। हरियाणा का जो देहात है वहाँ बेरोजगारी भी काफ़ी कम है, इंडस्ट्री एरिया काफ़ी हैं, रोज़गार काफ़ी ठीक ठाक मिलता है, वहाँ के लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, एजुकेशन में भी अभी ठीक ठाक है और पहलवान तो हरियाणा दे ही रहा है, वो तो आपको बताइए, सबसे ज़्यादा पहलवान रेसलर सब हरियाणा ही दे रहा है, तो काफ़ी योगदान है ओलंपिक में और आपका कॉमनवेल्थ में काफ़ी योगदान है हरियाणा का, तो मैं इसको बेस्ट कहूँगा। तो जनाब ये था हरियाणा, हरियाणा का कल्चर आपको हमने दिखाया, लोगों की बातें आपको सुनाई, जो उनके विचार उनके दिमाग में हैं, जो वो हरियाणा के बारे में सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं वो आपने जाना। तो जनाब वो कहते हैं ना कि देसा में देस हरियाणा, जित दूध दही का खाना। तो जनाब अगली बार फिर एक नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।